Hello children, welcome back to our online class. This is Zoya Akhtar, your science teacher. And children, as you can see on your screen that we have taken chapter number 6, which is the previous topic, our teeth and microbes. हम लोगों ने ये previous chapter, previous videos में ही इसको आधा done किया था. तो आधे जो left chapter बचे हुए थे उसमें part, ठीक है, rest part उस chapter का, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे. So, let's get going. We have already talked about milk teeth, permanent teeth, okay, and types of teeth in the previous lecture. हम लोगों ने previous lecture में types of teeth पढ़ा था, ठीक है. Then after, today's topic is structure of tooth, कि किसी भी दांत का structure क्या होता है उससे related. So you can see here, okay, see here. You can see that there are mentioned some names of a पर्टिकुलर टूथ, ठीक है, एक किसी टूथ के कई सारे नेम लिखे गए हैं, उसके पार्ट्स के नेम. यू कैन सी व्हाट दैट ऊपर वाला जो हिस्सा है, सबसे पहले बात तो कि जो टूथ है उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स मतलब लेयर्स होते हैं, कि इतने हिस्से को क्या कहते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं. देन यू कैन सी कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर, अब यहाँ से जो ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो मुझे दिखता है, जो हमारे दांतों में हमें दिखता है, उसको कहते हैं क्रोन. क्या कहते हैं बेटा? क्रोन. क्लियर हो गया? और जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द पोर्शन ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज कॉल्ड द रूट. और जो पोर्शन यहाँ नीचे होता है, ये रूट के नीचे, उसको कहते हैं, सॉरी, गम्स के नीचे होते हैं, उसको रूट कहते हैं. क्या कहते हैं? रूट. और ऊपर वाले पार्ट को क्रोन कहते हैं. क्लियर? अब आपको दिख रहा होगा कि क्रोन में भी कई सारे पार्ट्स हैं और रूट में भी कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है. तो चलिए यहाँ से हम लोग रीड करते हुए चलते हैं. द पोर्शन ऑफ टूथ सीन अबव द गम इज कॉल्ड द क्रोन. पहले मैंने बताया कि वो पोर्शन जो टूथ के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गम, दैट इज़ कॉल्ड क्रोन. सॉरी, द पोर्शन ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज़ कॉल्ड द रूट. और वो पोर्शन जो गम के बिल्कुल नीचे है, ठीक है, विच लाइज अंडर द गम, इज़ कॉल्ड रूट. द पोर्शन जस्ट बिलो द क्रोन एंड अबव द रूट इज़ नोन एज नेक. और ये पोर्शन जो बिल्कुल इस वाले हिस्से में है, जो क्रोन के नीचे और रूट के ऊपर है, देखिए रूट के ऊपर है, क्रोन के नीचे, ये बीच में जो पार्ट पड़ता है, इसको नेक कहा जाता है. क्या कहा जाता है? नेक कहा जाता है. द क्रोन इज कवर्ड विद अ हार्ड लेयर कॉल्ड एनामल. ठीक है, जो हमारा ये कैल्शियम वाला पार्ट आपको वाइट वाइट विजिबल होता है, ये एनामल होता है. क्या होता है बेटा? एनामल. ये हार्ड होता है. क्या होता है? हार्ड लेयर होता है, जो हमारे पूरे टूथ को प्रोटेक्ट करता है. बिलो द एनामल लाइज द डेंटाइन. इस एनामल के नीचे एक लेयर होती है जिसका नाम है डेंटाइन. ठीक है, इट इज़ क्वाइट हार्ड. ये भी लगभग हार्ड ही होता है. इन द सेंटर ऑफ टूथ देयर इज़ अ स्पेशल मटेरियल कॉल्ड पल्प. इसके सेंटर में एक स्पेशल मटेरियल होता है जिसको पल्प कहा जाता है. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा जेली लाइक होता है, थोड़ा सा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है गम की तरह. ठीक है, इट इज़ सॉफ्ट एंड हैड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट. देखा मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जो हमारे गम्स में नसें होती हैं, वेसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं? इसी पल्प वाले एरिया से अटैच्ड होते हैं. ओके, दे सप्लाई न्यूट्रिशन फॉर एनामल एंड डेंटाइन. ये क्या करते हैं? जितने भी न्यूट्रिशन हैं वो हमारे एनामल और डेंटाइन को सप्लाई करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हाउ डू टीथ डिके. इट मीन्स हाउ आर टीथ बिकम डर्टी और डैमेज, ओके, और डिस्ट्रॉयड. हमारे दांतों में कहीं कहीं पहले क्या हो जाती है कि माइक्रोब्स लग जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, दांत सड़ने लगते हैं, बहुत सारे टाइप की बीमारियां होती हैं जो हमारे टूथ से रिलेटेड होती हैं. तो कैसे हमारा दांत डिके हो जाता है, सड़ जाता है, सड़न कैसे हो जाती है, उससे रिलेटेड है. तो टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? टीथ. इवन आफ्टर डेथ दे रिमेन इंटैक्ट फॉर ईयर्स. ठीक है, डेथ के बाद भी वो काफ़ी सालों तक बचे रहते हैं. ये टूथ डिके इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन द वर्ल्ड. इसीलिए टूथ डिके जो है वो बहुत कॉमन डिजीज़ है पूरे वर्ल्ड में. दिस डिके स्लोली लीड्स टू द कम्प्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द टूथ. पूरे टूथ को डिस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत वक्त लगता है, मतलब कि ये बहुत स्लोली प्रोसेस है. ठीक है, स्लो प्रोसेस है इसको, टूथ डिके के डिस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने के लिए. व्हेन द टीथ आर नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड सम फूड पार्टिकल्स रिमेन स्टक टू द टीथ. ठीक है, जब आपका जो टूथ है आप उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं चिल्ड्रन, तब क्या हो जाता है? कुछ पार्टिकल्स
हो जाते हैं जो आपके दांतों में फंसे रह जाते हैं और रिमेन इन बिटवीन द टीथ, और क्या हो जाते हैं, या तो वो आपके दांतों के बीच में फंसे रहते हैं या आपके माउथ में रह जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द माउथ एक्ट ऑन दीज फूड पार्टिकल्स एंड बिगिन टू प्रोड्यूस एसिड्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इन पार्टिकल्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। क्या क्या काम करते हैं कि ये एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। दीज एसिड्स एक्ट ऑन द एनमल, और यही एसिड हमारे वाइट वाले एनमल पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ठीक है, स्लोली दे प्रोड्यूस कैविटीज एक्सपोजिंग पल्प विच कॉजेस पेन इवेंचुअली टू टूथ डिस्ट्रक्शन इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन। ठीक है, होता क्या है कि उस एसिड से हमारे टूथ में बहुत इफेक्ट आता है और वहाँ से हमारा कैविटी होना शुरू होता है, और अगर हम उसकी केयर नहीं करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकता है। ओके, इट कैन बी फैटल फॉर अस। केयर ऑफ टीथ, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम अपने टीथ की केयर कर कैसे सकते हैं। देन यू हैव टू, ओके, क्या क्या करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर फॉर टूथ डिके इज ब्रशिंग टीथ। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का या आपके टूथ के केयर का, वो है ब्रशिंग टीथ। सबसे ज़्यादा कि आप प्रॉपरली टूथ को या टीथ को ब्रश करें। टूथ ब्रश रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक टू द टीथ एंड बिटवीन द टीथ। जो टूथ ब्रश है वो रिमूव कर देता है उस पार्टिकल को जो हमारे दांतों के बीच में फंसे होते हैं। इट इज़ गुड टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील और एटलीस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। कह रहा है अच्छा होगा कि आप अपने हर खाने के बाद, जैसे आपने कुछ खाया है, ठीक है, उसके देन आफ्टर आपको क्या कर लेना चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते कि बार बार आप ब्रश नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, एटलीस्ट टू टाइम्स इन अ डे, आपको दो बार एक दिन में ज़रूर ब्रश कर लेना चाहिए। ओके, इन द मॉर्निंग एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, एक बार सुबह में और एक बार सोने से पहले रात में। यूज़ अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ। दांतों के बीच में सफाई रखने के लिए आप डेंटल फ्लॉस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर एवरी मील वॉश योर माउथ गार्गलिंग, आप गरारा करके माउथ को वॉश कर सकते हैं जब भी आप कुछ खाते हैं। फिर देखिए कुछ स्टेप्स भी दे रहा है। सम रूल्स आर गिवन बिलो टू शो योर बेस्ट वे ऑफ ब्रशिंग। ब्रशिंग के कुछ रूल्स दिए गए हैं, उसको आप देख लें। पहला है, ब्रश द अपर टीथ विथ डाउनवर्ड स्ट्रोक्स एंड इन वन डायरेक्शन एंड लोअर टीथ विथ अपवर्ड स्ट्रोक्स इन वन डायरेक्शन। ऊपर वाले टीथ को क्या करना है, डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाने हैं एक ही डायरेक्शन में, और जो नीचे वाले दांत हैं उस पर ऊपर की तरफ का स्ट्रोक लगाना है, वो भी एक ही डायरेक्शन में। फिर कह रहा है ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ टीथ, ठीक है, जो फ्लैट सर्फेसेज हैं लाइक मोलर और प्री मोलर, स्क्रबिंग करके, स्क्रबिंग स्ट्रोक इस टाइप का, ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमा के। फिर कह रहा है ब्रश ईच एरिया एटलीस्ट 5 to 7 times। आप हर एरिया को कम से कम 5 to 7 times या 5 to 10 times उसको क्लीन करें। ब्रश ईच जॉ सेपरेटली, हर एक जॉ को अलग अलग टाइम पे, मतलब अलग अलग साफ करें, यानी कि एक बार ब्रश लगाया तो सफाई होगी, ऐसा नहीं होता बेटा। फिर कह रहा है यू शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स और चॉकलेट्स बिकॉज जर्म्स ग्रो फास्टर ऑन स्वीट्स दैट स्टिक टू द टीथ। आपको ज़्यादातर चॉकलेट, टॉफ़ीज़, कैंडीज़ ये नहीं खाने चाहिए, बिकॉज जो जर्म्स होते हैं, ठीक है, ये दे कैन रिप्रोड्यूस रैपिडली ऑन स्वीट्स, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं स्वीट्स पर ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर स्वीट्स पर ये ज़्यादा ग्रो करते हैं इसीलिए, और ये हमारे दांतों से चिपके भी होते हैं तो ये हमारे दांतों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ टू बी टेकन टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू योर टीथ। और आपके दांत की हिफाजत के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें कैल्शियम वगैरह हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं जो आपके एनिमल को या आपके ये टीथ को प्रोटेक्ट करता हो। डोंट ईट टू हॉट और टू कोल्ड फूड, कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा आइटम नहीं खाना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वैसे आप डेंटल केयर में पढ़ने जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा दैट वी शुड विजिट आर डेंटिस्ट एटलीस्ट इन 6 months, ठीक है, हमें लगभग, आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी आप ऐसे ही नॉर्मल चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जरूर चले जाएं, एटलीस्ट 6 months में तो ज़रूर चले जाएं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी डेंटिस्ट के पास जाएं, नहीं है तो भी आप कम से कम 6-7 months में ज़रूर एक बार डेंटिस्ट से मिलकर आएँ, ठीक है, अपने टीथ का चेकअप करवा के आएँ, ताकि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर होने वाली हो तो डेंटिस्ट आपके हेल्थ को लेकर आपको कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो एंजॉय द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।